हाय फ्रेंड्स, अभी मैं बैठा हूँ टडानो के 55 टन क्रेन है। इसका मॉडल है GR550EX। इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इसका फंक्शन में ये देखिए, ये आता है, ये जो है ये पार्किंग ब्रेक है। अगर हम कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, क्रेन को खड़ी करते हैं, तो ये पार्किंग ब्रेक हमेशा लगा के रखते हैं। इसके बाद है ये हजार्ड। अगर हम कहीं स्लो चल रहे हैं या कहीं रोड के साइड में रुकना है या कहीं भीड़ भाड़ इलाके वाले में चलना है, तो ये हजार्ड हम लोग लगा के चलते हैं, जो कि हजार्ड चालू हो जाता है। ये यहाँ पे ऐसा इंडिकेट करता है हजार्ड का। उसके बाद आता है व्हील सिलेक्शन। ये है व्हील सिलेक्शन। ये बटन से आगे का दो टायर हम लोग कटिंग कर सकते हैं, यानी दो टायर यूज कर सकते हैं। इससे फोर टायर यूज करते हैं, और ये है फोर टायर, जो एक साइड में अगर क्रेन को लेके चलना है सिर्फ एक साइड में ही, तो उसके लिए ये वाला बटन यूज करते हैं। और ये वाला जो बटन है, ये है पीछे का दो टायर यूज करते हैं। उसके बाद आता है ये फोर व्हील लगाने के लिए, फोर व्हील टायर कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम लोग ये बटन सेलेक्ट करते हैं। अगर फोर व्हील लो में लगाना है तो इसको नीचे दबाएंगे, ये फोर व्हील लो में हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसा इंडिकेट करने लगेगा, ये कछुआ का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद में इसको फिर फोर व्हील हाई भी होता है। अगर फोर व्हील हाई में लगाएंगे तो ये इसको ऊपर दबाएंगे, फोर व्हील हाई में हो जाएगा। उसके बाद में ये जो बटन है, ये हमारा जो बटन दिखाता है वो पीछे का जो लाल बत्ती जो जलता है उसके लिए है। और ये वाला जो बटन है, ये बूम सिलेक्शन करना है। अगर हमें मोड टू निकालना है तो ये ऊपर में दबाएंगे, मोड टू होगा। अगर मोड वन निकालना है तो ये नीचे में दबाए करेंगे तो मोड वन हो जाएगा। उसके बाद आता है, ये है विंडो पावर बटन। इससे अगर विंडो का जो कांच जो शीशा है खोलने के लिए, ये हम लोग ये इसको यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये आउटरिगर का फंक्शन है। ये चार जो है आउटरिगर निकालने के लिए और जैक निकालने और अंदर करने के लिए होता है। और ये जो है सिलेक्शन बटन है। ये जो बटन है, जो राइट साइड में जो पहला बटन है, ये बटन से हम लोग अगर ये ऊपर दबाते हैं तो ये एक्सटेंड का काम करेगा। यानी अगर आउटरिगर निकालना है, जैक निकालना है, तो ये ऊपर का मोड में रहेगा, ठीक है। और अगर रिट्रैक करना है तो ये नीचे के मोड में कर देंगे। यानी आउटरिगर रिट्रैक करना है, जैक रिट्रैक करना है, तो ये नीचे के मोड में कर देंगे, तो ये रिट्रैक का हो जाएगा। अब होता है कि आउटरिगर निकालने के लिए और जैक निकालने के लिए कौन सा बटन है। तो ये वाला बटन है। अगर आउटरिगर निकालना है तो ये वाला बटन है, और जैक निकालना है तो यही बटन को नीचे कर देंगे तो जैक निकलेगा। अभी देखिए हम इसको समझते हैं। अगर हम ये बटन को एक्सचेंज मोड में कर देते हैं, अगर इसको ऊपर कर देते हैं तो एक्सचेंज मोड में हो गया, और ये हो गया आउटरिगर एक्सचेंज मोड आउटरिगर। तो अब ये देखिए, हम दोनों को ऊपर कर देते हैं, ये भी एक्सचेंज और ये आउटरिगर, और हम ये अगर दो बटन दबाते हैं तो सामने का दो आउटरिगर बाहर निकलेगा। उसके बाद में हम ये पीछे का, ये नीचे का दो दबाएंगे तो पीछे का दो आउटरिगर आउट निकलेगा। उसके बाद में हमको जैक लगाना है तो ये जैक मोड पे कर देंगे, ये बटन को जैक मोड पे कर देंगे। उसके बाद में हम ये आगे का दो बटन दबाएंगे तो जैक नीचे आएगा, पीछे का दबाएंगे तो जैक नीचे आएगा। अगर हमको आउटरिगर और जैक को एक साथ में, चारों एक साथ में काम करना है तो ये बीच का बटन दबाएंगे तो चारों एक साथ में निकलेगा और एक साथ में बाहर आएगा। इसके बाद होता है हम इसको क्लोज कैसे करें। तो क्लोज के लिए ये देखिए, ये जो है ये रिट्रैक मोड है। अब इसको नीचे कर देंगे तो ये रिट्रैक मोड में होगा, यानी हर चीज क्लोज होगा, यानी अंदर करने के लिए। अभी हम इसको चारों अगर एक साथ में दबाते हैं तो जैक चारों एक साथ में ऊपर उठेगा, यानी अंदर की तरफ आएगा, या फिर दो दो करके भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसको आउटरिगर को अंदर करने के लिए, ये इसको ऊपर करेंगे तो एक साथ में अगर दबाएंगे तो चारों एक साथ में आएगा, नहीं तो दो दो चाहे तो दो दो भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो बटन है, ये बटन को ऊपर करेंगे तो एक्सचेंज मोड हो जाएगा, और नीचे कर देंगे तो रिट्रैक मोड हो जाएगा। यानी अंदर करने के लिए नीचे करेंगे और बाहर निकालने के लिए ऊपर करेंगे। और ये बटन को ये ऊपर करेंगे तो जैक का फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये ऊपर करेंगे तो आउटरिगर का फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो जैक का फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आता है कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर को हम लोग, ये देखिए कंप्यूटर में ये जो है ये PTO है। अगर कंप्यूटर को हमको कोई भी काम करना है तो उससे पहले हम लोग जैक लगाने के बाद में ये PTO को ऑन करते हैं। ये PTO ऑन कर दिए, अभी ये हमारा कंप्यूटर एक्टिवेट हो रहा है।
ये हमारा कंप्यूटर एक्टिवेट हो गया। इसके बाद में हम लोग ये जो बटन है जैक सिलेक्शन का, काम करने से पहले ये जैक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जैक सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए ये कंप्यूटर में क्या क्या दिखाता है और क्या क्या शो करता है इसके बारे में देख लीजिए। ये जो है ये क्रेन का बूम है। अभी यहाँ पे जो ये डिजिटल जो नंबर दिख रहा है ये क्रेन का बूम का लेंथ दिखाता है, हमारा बूम का कितना लेंथ है। अभी मेरा बूम क्लोज है तो 11.2 है। उसके बाद में ये जो एंगल दिखा रहा है ये क्रेन का एंगल होता है। ये एंगल होता है यानी बूम कितना डिग्री में झुक रहा है, कितना डिग्री में उठ रहा है। बूम अगर खड़ा होता है तो एंगल बढ़ता है, अगर बूम नीचे, अगर बूम को नीचे करते हैं तो एंगल कम होता है। तो ये डिजिट हम लोग को एंगल का शो करता है, कितना एंगल पे है। उसके बाद आता है रेडियस। ये क्रेन के सेंटर से और हुक जहाँ पे आता है वो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो ये डिजिट जो हम लोग को है ये रेडियस दिखाता है। उसके बाद आता है क्रेन की कैपेसिटी। अभी हमारी क्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 22.5 टन है, यानी 8 रेडियस पे, 8.2 रेडियस पे, 8.2 रेडियस पे, 28.3 है बूम एंगल पे और 11.2 बूम लेंथ पे हमारा 22.4 हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी आ रहा है। उसके बाद में ये जो ऊपर का है ये जो हम लोग का लोड का वेट बताता है, हम लोग कितना लोड उठा रहे हैं ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसी तरह इसमें कुछ और भी सेटिंग है, जैसे अगर हम लोग को पार्ट ऑफ लाइन चेंज करना है ये बटन दबाएंगे ये पार्ट ऑफ लाइन का यहाँ पे दिखाने लगा। अगर इसको कम करना है हम लोग ये दबाएंगे कम होते जाएगा। अगर हमको एक पार्ट ऑफ लाइन पे चलाना है तो ये एक पार्ट ऑफ लाइन पे करके और यहाँ से ओके दबा देंगे। अब एक पार्ट ऑफ लाइन हो गया। अब देखिए हमारा एक पार्ट ऑफ लाइन का कैपेसिटी हो गया 5.6 टन, ठीक है। तो अगर एक रोप से काम करना है तो हमको ये सेलेक्ट करके एक पार्ट ऑफ लाइन का और ये सेलेक्ट करना पड़ेगा तो हमारा कैपेसिटी इतना हो जाएगा। इसी तरह हमको हमारे क्रेन में हमारे बूम के अभी हुक में अभी 8 पार्ट ऑफ लाइन है तो इसको मैं 8 पार्ट ऑफ लाइन पे सेट कर दूंगा। तो 8 पार्ट ऑफ लाइन पे यानी मेन हुक से अगर मैं काम करूंगा तो ये 8 पार्ट ऑफ लाइन हो गया और ये मैं यहां से ओके दबा दूंगा। अब देखिए 8 पार्ट ऑफ लाइन का कैपेसिटी जो है 22.45 टन यानी हो गया अभी। इसी तरह हम पार्ट ऑफ लाइन चेंज करते हैं। ये जो छोटा स्क्रीन दिखा रहा है ये हम लोग को आउटरिगर कितना एक्सचेंज हुआ है उसके बारे में बताता है और क्रेन कितना रोटेशन करते हैं 360 डिग्री में, वो हम लोग को 360 डिग्री में कौन से एंगल में जा रहे हैं ऐसा ऐसा ये पूरा क्रेन हम लोग को दिखाता है। उसके बाद ये जो बटन आता है ये है स्विंग का। अगर हम लोग को क्रेन को घुमाना है कोई भी लोड उठा के क्रेन को घुमा के दूसरी तरफ ले जाना है तो इसको ऐसा ऑन कर देंगे। उसके बाद में हम लोग क्रेन को स्विंग करके आराम से दूसरे एक जगह से दूसरे तरफ में मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये जो आपको ये देखिए ये जो है ये गियर है। अगर हमको गियर में अगर ट्रेवलिंग करना है क्रेन से हमें ये बटन को ऐसा पुश करेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद में ये अगर डी में लगा दिए तो डी ऑटो गियर हो जाता है और नहीं तो डायरेक्ट एक नंबर में अभी लग गया हमारा, फिर उसके बाद में दो नंबर है और ये डी है। अगर हम लोग डी में अगर लगाते हैं ये जो डी में अगर लगा देंगे तो हमारा ये ऑटो गियर हो जाएगा यानी ऑटो मोड हो जाएगा। अगर जैसे स्पीड के हिसाब से ये ऑटोमेटिक चेंज करते रहता है यानी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर ऑटोमेटिक ये कर देगा। अगर हम लोगों को अगर पीछे रिवर्स लेना है तो इसको आगे करते हैं, अगर आगे कर देंगे तो ये रिवर्स मोड में हो जाएगा। तो कोई भी अगर सेलेक्ट करते अगर गियर लगाते हैं तो ये जो है इसको बटन को अंदर पुश करके उसके बाद में गियर लगाते हैं। उसके बाद में इसमें आता है लीवर का फंक्शन। इसमें चार लीवर होता है, दो सीट के हमारे लेफ्ट हाथ में होता है और दो लीवर होता है वो राइट हाथ में होता है। अब ये राइट हाथ में जो पहला जो लीवर है ये बूम को अप और डाउन करने के लिए यानी बूम को नीचे करना है या बूम को उठाना है तो ये लीवर से हम लोग काम, अगर नीचे करना है तो इसको आगे करेंगे और बूम को ऊपर उठाना है तो इसको हम लोग पीछे की तरफ खींचेंगे। इसके बाद में आता है ये दूसरा जो राइट साइड में जो दूसरा जो लीवर है ये लीवर है मेन हुक का यानी जो बड़ा हुक होता है क्रेन में उसके लिए। इसी को हम अगर आगे की तरफ करेंगे तो हुक जो है नीचे आएगा और इसको पीछे की तरफ करेंगे तो हुक ऊपर की तरफ जाएगा।
और इसमें ये लेफ्ट साइड में जो दो बटन है, ये जो दो लीवर है, इसका ये वाला जो रेड कलर का जो लीवर है, ये हमारे स्विंग के लिए है। अगर क्रेन को घुमाना है, यानी अगर एक जगह पे जैक लगा के अगर कोई काम कर रहे हैं, क्रेन को घुमा के लोड को उठा के दूसरे तरफ में करना है, स्विंग करना है, तो ये लीवर से हम लोग करेंगे। अगर इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये राइट साइड में घूमेगा, पीछे की तरफ करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में घूमेगा। इसके बाद में ये जो है, ये एक्सेलरी हुक का है। एक्सेलरी हुक यानी जो छोटा हुक होता है, एक रूप पे काम करता है, ये उसका बटन है। अगर इसको आगे की तरफ करेंगे तो एक्सेलरी हुक नीचे आएगा, और पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा। अब आता है बूम निकालें कैसे। अभी बूम के लिए ये देखिए, जो नीचे में जो दो पैडल दिख रहा है उसमें, ये जो पैडल दिख रहा है, ये वाला, ये पैडल बूम का है। अगर हम इसको आगे की तरफ करेंगे, अगर दबाएंगे तो बूम निकलेगा, और इसी को अगर हम पीछे की तरफ दबाएंगे तो बूम अंदर आएगा। और ये जो पैडल है, ये पैडल बूम अप और डाउन के लिए है। यानी इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यानी पैर में भी बूम अप डाउन का लीवर है, और हाथ में भी है। अगर ये पैडल से हम चाहे तो पैडल से भी यूज करते, अगर आगे दबाएंगे तो बूम नीचे जाएगा, अगर हम लोग ये पीछे दबाएंगे तो बूम अप होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा। और दोस्तों इसमें ये जो मीटर है, ये आप देख रहे हैं, ये प्रेशर मीटर है, ऑयल का प्रेशर बताता है। ये जो है, ये हमारा जो फ्यूल का बताता है, ये जो डीजल कितना है उसके बारे में बताता है। ये देखिए, ये टेम्परेचर दिखाएगा, ऑयल का जो टेम्परेचर है उसके बारे में बताएगा, ये वाटर टेम्परेचर के बारे में बताएगा। ये जो है हावर मीटर है, और इसको मैक्सिमम मीटर भी बोल सकते हैं। ये यानी हमारा मैक्सिमम का भी काम करता है, कितना हम लोग स्पीड एक्सीलेटर दबा रहे हैं उसके बारे में बताएगा। और दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। अगर इसके बारे में क्रेन से अगर आप संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ के मुझसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, और भी कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर आपको क्रेन में इंटरेस्ट लेते हैं तो मुझे कमेंट करिए, और क्रेन के बारे में आप लोग को क्या जानना चाहते हैं वो कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। मैं आपको और भी नई और भी और दूसरे क्रेन की, हमारे पास बहुत सारी क्रेन है, तो अगर आपको दूसरे भी क्रेन के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए। मैं दूसरे क्रेन के बारे में, जैसे लीवर है, ग्रो है, जूम लाइन है, ये टडानो का जो मैं आज वीडियो बनाया हूँ ये है, तो ऐसे कोई भी क्रेन के बारे में जानना है, उसके फंक्शन के बारे में जानना है, तो आप लोग कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे क्रेन का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।